भैया दो ग्लास जूस देना। जी मैडम। अरे राहुल तू, ये राहुल राहुल क्या लगा रखा है? रिश्तेदार हूँ मैं तेरा, चुपचाप दो गिलास जूस दे। ये लो, ये पैसे पकड़ अपने। क्या हुआ प्रिया, तुमने इतनी जल्दी में मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सुनो एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? हाँ पूछो। वो जूस वाले भैया तुम्हारे क्या लगते हैं? अरे तुम क्यों उस जूस वाले के पीछे पड़ गए, छोड़ो ना। प्रिया ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सब क्या हो रहा है? रिलैक्स सुधो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बट मुझे सच पता चल चुका है कि ये जूस वाले तुम्हारे भाई हैं। पर तुम्हें तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला? भैया अभी थोड़ी देर पहले मैं जिस लड़के के साथ यहाँ पर जूस पीने आई थी, आप उसे कैसे जानते हो? मैं नहीं जानता मैडम उसे। देखो भैया मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैंने सुना आपको राहुल को उसके नाम से बुलाते हुए। प्लीज आप सच बोलो ना। ठीक है मैं आपको बताता हूँ, राहुल मेरा भाई है। क्या? हाँ, और वो एक बड़ी कंपनी में काम करता है और मैं चलाता हूँ ये छोटी सी रेडी, इसलिए वो लोगों के सामने मुझसे बात करने में बिल्कुल कतराता है और उसे शर्म भी बहुत आती है। लेकिन इसमें शर्माने वाली क्या बात है? वो असल में वो ऐसे सोचता है अगर तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई तो तुम उसे छोड़ दोगी, इसलिए वो सारी बात छुपाता है तुमसे। प्रिया मैं तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताना चाहता था कि मुझे लगा था तुम मुझे जज कर दोगी, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं इतनी बड़ी एमएनसी में काम करता हूँ और मेरा भाई एक जूस का ठेला लगाता है। सुधो तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और क्या हुआ अगर भैया जूस बेचते हैं तो? कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। प्रिया मुझे लगा था कि तुम ये सब जानने के बाद मुझे छोड़ के ना चली जाओ यार। बेब तुम ये कैसी बात कर रहे हो, उनका काम छोटा हो या बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है तो इंसान से, और तुम्हें इसमें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ हिम कि वो इतनी धूप में बारिश में मेहनत कर रहे हैं। तुम सही कह रही हो प्रिया, और मुझे तुमसे ये सब छुपाना नहीं चाहिए था, रियली सॉरी। सुनो तुम्हें मुझसे कोई भी बात छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, जब आप किसी से प्यार करते हो ना तो आपके लिए ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है। तुम ठीक कह रही हो प्रिया, एंड भैया आई एम रियली सॉरी, मुझे उस समय आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इनफैक्ट मुझे समझना चाहिए था कि आप दिन भर कितनी मेहनत करते हो, कितनी मेहनत करके आप पैसे कमा के लाते हो। भैया मम्मी पापा के जाने के बाद आपने ही मेरी देखभाल करी है, ये आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। चलो अच्छा है, तुझे टाइम रहते सब समझ आ गया, गले मिल। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.